सर्व अनुसूचित जाति वर्ग ने अपने आरक्षण में हुए कटौती के विरोध में कोंडा गांव चौपाटी मैदान पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण को 16% से घटाकर 13% कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आरक्षण कटौती करने के विरोध में कोंडा गाँव जिला स्त्री विशाल धरना प्रदर्शन व महारैली का आयोजन किया जा रहा है। सर्व अनुसूचित जाति वर्ग के जिला अध्यक्ष धनसराज टंडन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि अगर 20 दिन के भीतर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आरक्षण के संबंध में आज धरना रैली प्रदर्शन कोंडागांव जिला में किया गया। यहाँ कोंडागांव जिले के सभी महिला यहाँ पे उपस्थित है। अगर आरक्षण हमारा पहले 16% हमारा जो आरक्षण है उसको कम करके 13% आरक्षण कर दिया गया है, तो अगर हमारा आरक्षण इसी तरीके से कम होता जाएगा तो हमारा समाज पिछड़ते जाएगा। जितने भी लोग अभी पढ़ लिख के जो छोटे छोटे पद में पहुंच रहे हैं उन सबका क्या होगा? सदियों से हम दबे कुचले वंचित लोग हैं। अगर हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हम फिर पहले की तरह हम लोग वंचित हो जाएंगे। इसीलिए हमको हमारा आरक्षण फिर से चाहिए। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमारा आरक्षण चाहिए। महिलाओं की शिक्षा के लिए चाहिए। महिलाओं को सभी पद में जाने के लिए हमको सिर्फ आरक्षण का मतलब सिर्फ हमको ये हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन ये समता का अधिकार है। आरक्षण से हमको समाज में समता मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। इसलिए हमारा आरक्षण हमको फिर से 16% चाहिए। आज की रैली में महिलाएं और बालिकाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, इस पर कहना चाहेंगे? जी, महिलाओं के साथ साथ बालिकाएं बच्चे सभी आजकल जागरूक हो चुके हैं और अगर सब लोग में जागरूकता होगा तभी अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। हमारा जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है उसके बारे में जानेंगे। इसीलिए आज महिलाएं और बच्चे सभी आज इस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज अनुसूचित जाति के लोग आपको अपना ज्ञापन देने आए थे, क्या किस मुद्दे पे आए थे? ये क्या है कि उनका जो आरक्षण, उनका ये मानना है कि 16% जो पहले आरक्षण था उसको घटा दिया गया है। वो ये 16% आरक्षण जो यथावत रखने की मांग कर रहे थे। तो शासन को उन्होंने जो आसन दिया है वो कलेक्टर से यहाँ से चला जाएगा। ये इनकी जो मांगे हैं कब तक सुनी जाएगी या शासन तक कब तक? नीतिगत मामला है, शासन स्तर पर निर्णय होगा। हमारा काम यह है कि हमको जो ज्ञापन दिया है वो शासन तक पहुँचा दें।